ओम शांति। 24 दिसंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा ये स्मृति में रहे कि हमारा ये अंतिम 84वां जन्म है, अब वापस घर जाना है और फिर अपने राज्य में आना है। अपने राज्य में हम कैसे आएंगे? जैसा हमने कल्प पहले की तरह पुरुषार्थ किया होगा, पुरुषार्थ करेंगे, अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाएंगे तो हम आएंगे। प्रश्न है, बाप पक्का सौदागर है? कहता है मैं पक्का सौदागर हूं, क्योंकि लूंगा तो उसको दूंगा भी सही। जो अभी साहूकार हैं, जिन्हें पैसों का नशा है, बाबा कहते तुम यहां की अपनी रजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता। गरीबों को ही बाबा ऊंचते ऊंच बनाते हैं, गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। क्यों क्यों नहीं मिस करनी? क्योंकि उस दिन जो बाबा ने नई बात समझाई वो नहीं सुन सकेंगे, वो नहीं समझ सकेंगे। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वे अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमारे फॉलोअर्स हैं, ये हमारे बच्चे नहीं कह सकते। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, वह बुजुर्ग माताएं या पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहें कि बच्चों ये अक्षर वो कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में, जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है, बाप कह सकते हैं, वे सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वे है निर्वृत्ति मार्ग वाले, तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते, गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। ये तो मात पिता है तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो बेहद का बाप। हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चे तुम्हारा घर कौन सा है? परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए कौन सा है? शांति धाम, निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को। बच्चे हो, बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुख धाम में आएंगे। अभी तो ये है दुख धाम। इनका तुमको सन्यास करना है, ये बेहद का सन्यास सिवाय बाप के और कोई करा नहीं सकता, कोई सिखला नहीं सकता। परमपिता परमात्मा ही आकर ये बेहद का सन्यास सिखलाते हैं। वे तो हद का अर्थात घर बार छोड़कर सन्यास करते हैं, वे ये है मात पिता। ये तो मात पिता है ना, मात पिता घर कैसे छोड़ाएंगे? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ये तो हमारे माता पिता हैं, ये कैसे कहेंगे तो बच्चे घर छोड़ के चला जा? वंडरफुल बात है ना। परमात्मा कहते मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी माता हूं, मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए कैसे कह सकता हूं? परमात्मा माता भी है, पिता भी है, सर्व संबंधी भी है, वो घर छोड़ने के लिए, संन्यास करने के लिए कैसे कहे?
वंडरफुल बात है ना। उनका तो धर्म ही है निवृत्ति मार्ग का, जैसे और धर्म है आर्य समाज जी, राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन है ये कोई भी नहीं जानता। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे, क्योंकि राधा का शादी तो होती नहीं कृष्ण के साथ, वो फ्रेंड हो सकते हैं। फिर इस समय वो सत्वप्रधान है, विकारी दृष्टि वृत्ति भी नहीं हो सकती, फिर उसे राधा का स्वामी कैसे कह सकते। फिर जब परमधाम जाकर वापस आते हैं तो राधा का नाम लक्ष्मी हो जाता है और कृष्ण का नाम, फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण के रूप में शादी होगी। नारायण स्वामी है, हां जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे, ये समझने की बातें, ये समझने की बातें हैं। बाप ने बच्चों से पूछा अपना शांति धाम सुख धाम याद है, ये है रावणपुरी, दुख धाम ये है रावणपुरी, दुख धाम पुरी रहने की होती है, रावणपुरी में राम सीता है नहीं, यूं तो तुम सब सीताएं हो और बाप कहते मैं हूं राम, मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है, जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, था भारत पर, था भारत पर राज्य, परंतु उस समय कोई खंड ना होने के कारण कहा जाता है ये भी विश्व के मालिक थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। और कोई खंडों का नाम वो निशानी नहीं था, था ही एक खंड और उसके वो मालिक, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना, और वहां तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है, तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, अब वापस घर जाना है, हमने 84 का चक्कर लगाया है, मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं, तुम जानते हो हम 84 का चक्कर लगाकर आए हैं, अभी हमको वापस जाना है, फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिरे शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। नया चक्र कहां से शुरू होगा? सतयुग से शुरू होगा। ये सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती हैं, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते, धारणा ना होने के कारण फिर वो खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। हमारा ये 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे, जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। जन्म लेना ही है, जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो, सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में है। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया उसकी आत्मा कहां है? उसकी आत्मा कहां है? यहां ही भिन्न नाम रूप में है, सबको पूरा पाठ बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए, पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाना है।
फिर जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी, सतयुग त्रेता में वे आ न सके, सतयुग त्रेता में वे आ न सके, वे आती ही है कलयुग में, अपने समय पर आकर धर्म स्थापना करेगी। नंबर वार अवतार आते हैं, जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले, निराकार कैसे अवतार ले बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया है, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना, ब्रह्मा बाबा का है ना, दादा लेखराज का शरीर है ना। गाया भी जाता है आए देश पराए, और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं। कैसे? जैसे दूसरी आत्माएं दूसरे के शरीर का आधार लेती हैं, वे और आत्माएं भी दूसरे के शरीर में जाती है ना, तो धर्म स्थापक भी दूसरे के शरीर का आधार लेकर अपना पाठ बजा सकती। फिर उनका नाम होता है, पवित्र आत्मा आकर प्रवेश कर करेगी। जो पहली आत्मा है वो धर्म स्थापना नहीं करेगी, जैसे क्राइस्ट की क्या बोलते हैं, मेरी का बेटा जो था, ठीक है ना, मां थी ना मेरी, मेरी मदर, ठीक है ना, तो उनका जो पहला बच्चा था जिसमें क्राइस्ट की पवित्र आत्मा ने प्रवेश किया, वो धर्म स्थापक नहीं करते, क्राइस्ट की आत्मा धर्म की स्थापना करते। क्रूस पर लटकाया जाता है उस बच्चे को, जो मेरी का बच्चा था, इसकी आत्मा को तो लटका नहीं सकते, इसने तो कोई पाप किया ही नहीं है ना, उसके कर्मों का फल उसे मिला। जो पहली आत्मा है वो धर्म स्थापना नहीं करेगी, क्योंकि वो तो पतित है ना, पवित्र आत्मा ही आकर के धर्म की क्या करेगी, स्थापना करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सितम आदि पहली वाली आत्मा पर ही साइन करने पड़ते हैं। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वो तो सत्व प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना पड़ता है, उनको तो पहले सत्व में ही आना है, तो जो पहली आत्मा है वो सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है, धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे, आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं, बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है, बाबा हर एक से पूछते रहते हैं क्यों सन्यास किया, कोई भी सन्यासी मिलता ना, उनसे बाबा पूछते क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, बतलाते नहीं। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा सन्यास, वो नहीं, बा नहीं, ऐसी ऐसी बातें बड़े श्रूरनेस से करते थे, बड़ी समझदारी से करते थे। अभी समझते हैं कि ये सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है, अभी फिर से नया शुरू होना है। परले तो होती नहीं, परले तो होती नहीं, शास्त्रों में महापरले दिखाई, एक दिखाई है परले और एक दिखाई है महापरले।
कब कब दिखाई है, कैसे दिखाई है उन्होंने? उन्होंने दिखाया है कि एक कल्प जब खत्म होता है तो परलय होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब बीत जाते हैं तो परलय होती है, और ये जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का क्या होता है? एक दिन, एक दिन। सतयुग, त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात, तो ये होता है ब्रह्मा का एक दिन। और ब्रह्मा की आयु है 100 वर्ष, ठीक है। इसके बाद दूसरा कल्प मिलता है तो 2 दिन बीते। इसी प्रकार जब 360 चक्कर लग जाते हैं तो ब्रह्मा का 1 साल होता है, और 100 से गुणा कर दो, हिसाब सीधा है, टेढ़ा नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं है, समझ जाए तो बिल्कुल सीधा है कि 3600 साल के बाद, 360 ना, 36,000, 36,000 कल्प के बाद महापरलय होता है। 36,000, क्योंकि 100 साल की उम्र है तो 100 साल में कितने दिन बनेंगे? 36,000 दिन बनेंगे ना, 36,000 साल नहीं कहेंगे, 36,000 दिन हैं जी। बाबा तो परले बताता ही नहीं, परले तो कभी होती ही नहीं होता है। ये बाबा की बात नहीं कर रहे हैं, बाबा कहते दुनिया वाले, शास्त्रों में एक कहते हैं परले और दूसरा कहते हैं महापरले। परले कहते हैं कल्प के बाद होती है, एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, ठीक है कि नहीं? तो 36,000 बार जब ये कल्प बीत जाता है तो ब्रह्मा खत्म। 100 साल बाद ब्रह्मा तो मरेगा ना, तो जब ब्रह्मा मरेगा तो महापरलय होगी, फिर नया ब्रह्मा पैदा होगा। लाइन समझ में आई है? तो उन्होंने परलय को कल्प, कल्प परलय होती है, और जब 36,000 कल्प हो जाते हैं तब महापरलय होती है। वे तो होती ही नहीं, बाबा कहते परले तो कभी होती ही नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये सब हैं गपोड़े। कहां से आया, कैसे आया, कोई मतलब हुआ? ऐसे गपोड़े रख देते हैं, और उसके बाद कहां गया ये भी पता नहीं। भी कृष्ण को दिखाया यशोदा के पास, देवकी के पास पैदा हुआ, यशोदा ने पाला, फिर पीपल के पत्ते पर कहां से आया, कौन सा कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया ये भी कोई पता नहीं। पर एक लिख दिया, इतना लिख दिया कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया, उसके बाद वो कहां गया, बड़ा कैसे हुआ, किसने पाला, क्या किया, कोई पता नहीं। जो मर्जी आए वक्त कह देते हैं। बाबा कहते हैं सब क्या है, गपोड़े। सारे शास्त्र ऐसे गपोड़े हैं जिनका कोई सिर पर नहीं। कहते बाप कहते मैं तो आता हूं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना, ऐसे कहना चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा ये तोते माफिक पड़े हुए हैं, ये तोते माफिक पड़े हुए हैं, स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा? इसलिए कायदे मुजिब करेक्ट अक्षर बोलने चाहिए, पहले होगी स्थापना फिर होगा विनाश फिर होगी। विनाश हो गया तो स्थापना कौन करेगा? अब कहते ये गलत भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं कि पहले स्थापना फिर पालना फिर विनाश, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले होगी स्थापना फिर होगा विनाश फिर होगी पालना, ये ठीक है भाई साहब? नहीं, नहीं गलत।
पहले स्थापना बाद में फिर गुना, ये सही। ये सही है, रामचंद्र भाई फैसला करो। बाबा कह रहा है स्थापना विनाश पालना, और ये भाई बोल रहा है कि पहले स्थापना फिर पालना फिर विनाश, किसको ठीक माने? पहले विनाश, किसका विनाश करोगे? क्योंकि विनाश करना है पुराने संस्कारों का, ठीक है ना? और पालना किसकी करनी है? दैवी संस्कारों की। स्थापना किसकी करनी है? दैवी संस्कारों की। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये पांचों तत्व से बना हुआ संसार भी अविनाशी है। किसी भी तत्व को हम नष्ट नहीं कर सकते, आत्मा को नष्ट हम नहीं कर सकते, तो ये संसार को भी नष्ट नहीं कर सकते। पल्ले किसकी होगी? बाकी परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हर सेकंड होता ही रहता है, रुकता नहीं है। परिवर्तन होता है, विनाश नहीं होता। स्थापना होती है तो किसकी स्थापना होती है? दैवी संस्कारों की, देवी गुणों की। विनाश किसका होता है? आसुरी गुणों का। फिर पालना किसकी होती है? देवी संस्कार। जब देवी संस्कार आसुरी संस्कार बन जाते हैं, तब परमात्मा आकर सिखाते हैं कि आसुरी संस्कारों को, कांटों को फूल बनाया जाए। आसुरी संस्कारों को, जो कांटे हैं, जो दुख देने वाले हैं, उनको क्या किया जाए? फूल बनाया जाए। ये बाबा का कार्य है। आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार में परिवर्तन करने के लिए परमात्मा आते हैं। अभी ऊंचे ते ऊंचे बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, कैसे मिलती है? देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। ये बाबा का शरीर मुकर्रर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे, उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे, श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है, बाबा दूर थोड़े ही है, बाबा दूर थोड़े ही है। बाप देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं, बच्चे रॉन्ग चलते हैं वह राइट चलते हैं। हर एक को सर्जन से राय मिलती है, हर एक को क्या मिलती है? सर्जन से राय मिल सकती है। यह है सबसे बड़ा सर्जन, यह है सबसे बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है, तो बाबा बैठा है। श्री मत पर चलते रहो, समझो। कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है, इसलिए आकर मिल नहीं सकता। ऐसे को टिकट भी मिल सकता है, ऐसे को बाबा कहता है मेरे मेरे खजाने से टिकट दे दो, ताकि बच्चा आकर बाप से मिले तो सही ना। बच्चे के पास पैसे नहीं है, नहीं आ सकता, तो उसको टिकट दे दो, वाय बाबा से मिलने के। बाप तो गरीब निवास है ना, ऐसे तो बाप का, बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हों और पढ़कर ऊंचते ऊंचा पद पाए। आजकल सब गरीब है, सबको टिकट दे दे मैं? नहीं, क्यों? सर्विस करता हूं। वो गरीब है, सर्विस सेवे लोग। 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है। आजकल तो करोड़ों में बात होती है ना, 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया है, पदम पति वे वर्षा, ये वर्षा ले नहीं सकेंगे।
वे अर्पण हो ना सके, ना बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है, ऐसी क्या पड़ी है। ये भी पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं, इसलिए साहूकार आते ही नहीं। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, विष्णु को ब्रह्मा बनने में कितने साल लगते हैं। 5,000 साल लग जाते हैं ब्रह्मा से विष्णु बनने में, एक सेकंड से विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5,000, और ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड। और कोई ये बातें समझ ही ना सके, और कोई ये बातें समझ ना सके। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों के बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। ये सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये टॉपिक बहुत अच्छी है, सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे, और पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। भाषण क्या करना है, किसी को याद नहीं रहता तो वो कागज पे लिख कर नोट करके अपने सामने रखते हैं, फिर पढ़ के सुना देते हैं। तुम बच्चों को ओरली समझाना है, तुम्हें कोई कागज नहीं रखना, तुम्हें कोई कागज नहीं रखना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोल कर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी ला बुक में ये है, वे फिर कहेंगे फलाने बुक में ये है। उन्हों के पास बहुत पॉइंट्स होती हैं, इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है। तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं, तुमको भी विचार चलाना है। टॉपिक की लिस्ट बननी चाहिए, इस पर ये पॉइंट्स समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर सोचो कि मैंने किस किस पॉइंट्स पर समझाना है, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे, अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। ये भी नंबर वार प्रैक्टिस है, तब तो तीखे हो। उनको बुलाते हैं जो तीखे बच्चे होते हैं, उनको सारे कहते हैं वो बुलाओ, वो समझाते हैं ना, वो अच्छे सुनते हैं। आकर भाषण करो, समझते हैं ये बड़ी बहन है। भाइयों में भी जगदीश होशियार है तो कहेंगे ये बड़ा भाई है, फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए। देवी गुण धारण करने हैं, मूडी नहीं बनना है कभी। मूडी का मतलब क्या होता है, मूड आया तो कर दिया, मूड आया तो नहीं किया, मेरा दिल नहीं करना। जैसे हमारे भाई साहब हैं अपना सेक्टर 4 में, मूड आया तो कुछ भी काम करा लो, उसका मूड नहीं है तो दीदी को भी कह दे ओम शांति, वो मूडी भाई है हमारा। कभी मीठा कभी कैसा, वे फिर सर्विस नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है तब अच्छा पद मिल सकता है, सभी को राजी करना है। यह तो जानते हो बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। सर्व के सदगति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला, प्रेम का सागर, सुख का सागर है तुम्हारा बाप है। तो बाप जैसा मीठा बनो, जब तुम्हारा बाप सुख का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर है तो
तुम भी बाप जैसा मीठा बनना पड़े ना। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो, पहली बार नहीं हर बार शो करते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। टाइम लगता है, जब तक आसुरी गुण बदल देवी गुण बन जाए। आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वो कैसे निकलेगी? योग बल से। बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनने से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट निकलती जाएगी। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बच्चे, बाकी छोड़ो, बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते। समझते हैं हम होशियार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की गदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, सभी को राजी करना है। राजी करना है, मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है। श्री मत पर चलते रहना है। सेंसिबल बन, हर पॉइंट्स स्वयं में धारण करनी, हर पॉइंट्स स्वयं में धारण करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भक्त। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे, फिर कल बनने वाले हैं। हम तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट्स पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन, हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। स्लोगन, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। जो सदा योग युक्त रहते हैं तो उन्हें सब का सहयोग ऑटोमेटिक प्राप्त होता है। ओम।